सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरे चैनल की एक और नई वीडियो। तो आज है यार 12वीं सहरी है, 12 रोजे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। आज 12वीं सहरी है और बोबा यहाँ कर रहा है जुगाली आराम से मस्त होके। और आज यार इसने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी यार, टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा। इसने आज कुछ ऐसा खा लिया जो इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और वो क्या खाया इसने वो मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। अभी तो ये जुगाली कर रहा है, खैर आराम से बैठा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम अपने क्यूट से कंबल में बैठा हुआ बहुत ही प्यारा। और लूसी यहाँ बैठी है दरवाजे के बीच में, इन्हें कोई टेंशन नहीं कोई इसके ऊपर। मैं खुद डर गया यार इसे देख के, मैं जब आया एकदम से मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर पैर ना रख दूँ, कोई भी इसके ऊपर पैर रख सकता है आसानी से, और ये दब के कुछ भी हो सकता है इसके। तो मैं पूछ रहा हूँ इससे कि क्यों बैठी हुई है जी, आप क्यों बैठे हुए, देखो लोग आ रहे जा रहे हैं और आप अभी भी यहीं बैठी हो। अभी देखो बूबा भी आ गया यहीं पर, और बूबा का एक पैर तुम सह नहीं पाओगे एकदम, देखो तुम्हारे ऊपर इसने एक पैर रख दिया ना तुम्हारे मियाँ मियाँ निकल जाएगी। और बूबा यार अंदर जाके और कुछ तो करेगा नहीं, फिर परेशान करने लगा। हम खाने वाले थे सहरी, तो सहरी खाते खाते यार देखो ये सब खाने के पास मंडरा रहा है और हम इधर खा रहे आलू चंदे। यार बहुत ही सिंपल सी सब्जी बनाई आज हमने, क्योंकि बहुत दिनों से हम काफ़ी हैवी खाना खा रहे थे, और देखो आलू चंदे बनाए थे और ये यहाँ पे क्या करके चला गया गंदगी। ये हमेशा लड़का खाने के टाइम पे ना ऐसी गंदगी फैलाता है, और लूसी भी इससे डर के भाग गई अब इस बार, तो अच्छा वो भाग गई। ये तुमसे हर तो हर कोई डरता है। और देखो ये इधर घुस रहा है खाने में, खाना हम खाने वाले थे और अब ये खा रहा है यहाँ, और हम कर रहे हैं सफाई, हम कर रहे हैं इसकी पोटी साफ। और लूसी यहाँ बैठे हुए देख रही है सब कुछ अपनी आंखों से कि भाई देखो यार मेरे साथ तो कोई प्यार भी नहीं करता, इसकी तो पोटी ऐसे साफ कर रहे और मेरा तो पोटी अलग है। मुझे तो जब भी कुछ करना होता है मैं तो सीधा जाती हूँ, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ है ना, अब तो बहुत अच्छी बच्ची हूँ। पर ये बूबा तो ऐसी लाया कि इसे कान पकड़ के बाहर किया हमने, और फिर लूसी के साथ थोड़ा खेला रब्बान ने उसे गोद में उठाया, उसके साथ थोड़ा खेला। और अब मैं बताता हूँ उसने बूबा ने किया, बूबा खा रहा था यार पेन, बूबा ने पेन ले लिया पता नहीं कहाँ से इसके हाथ लगा, और जैसे मैंने पेन खींचा पेन तो हाथ में आ गया, कैप अंदर ही रह गया, कैप इसके मुंह में ही रह गया। और फिर बड़ी मुश्किल से मैंने इसके मुंह से कैप निकाला, क्योंकि छोड़ नहीं रहा था, और इसके दांत भी बड़े बड़े हो गए, मेरे को लग जाते अगर ज़्यादा अंदर हाथ डाल दो। तो कैप इसने ले लिया मुंह में और मैंने अब निकाल लिया, और मैंने लगा के इसे रख दिया वापस कि अब ये दोबारा इसके पेन इसके हाथ में लगे, पता नहीं कहाँ से पेन इसके हाथ लग गया। तो सोचा अब इसे पेन तो छोड़ो, अब इसे पत्ते खिलाते, इसे लग रही है भूख, तो फिर हमने खिलाया इसे पत्ते ताकि इसकी जो भूख है मिट जाए और ये फिर ऐसी ऐसी चीज़ें ना चबाए। चीज़ें तो हमेशा चबाता रहता है, भले इसकी भूख मिटे हो या ना मिटी हो, इसे भूख ना लगी हो कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर चीज़ चबाता रहता है, खासकर कपड़े, कपड़े तो एक नहीं छोड़ता भाई, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ता ये लड़का। देखो कैसे मुंह चला रहा है, चिढ़ा रहा है हमें, देखो कैसे फैला पड़ा है, बिल्कुल फैल के खाता है हमेशा, कपड़ा तो एक नहीं छोड़ता है चबाने से, बहुत ही तंग कर रखा है इसने के सारे मेरे कपड़ा इसने फाड़ दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए इसने, और बहुत उस घर में और जने के भी कपड़े फाड़ दिए। और यहाँ मैंने आके देखा तो मम्मी पढ़ रही थी कुरान शरीफ, और लूसी उनका साथ दे रही है यहाँ बैठ के, है ना लूसी, तो मम्मी के साथ बैठ के पढ़ रही हो है ना, तो मम्मी कुरान शरीफ पढ़ रही थी इसलिए मैंने वहाँ कुछ बोला नहीं, मैंने सिर्फ वीडियो बनाई थोड़ी सी और इसे दूसरी को थोड़ा प्यार किया। वहाँ पे लाइट नहीं जल रही थी तो मैंने दोनों लाइट्स ऑन की, क्योंकि मम्मी एक ही लाइट में पढ़ रही थी। और यहाँ देखो ये लड़का, ओ भाई साहब हेलो हेलो, ये लड़का पूरा बैग में घुस के जौ खा रहा है और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, कोई आ रहा है कोई आवाज़ दे रहा है नहीं दे रहा, नहीं भाई अपने खाने में मस्त है। कैसे खा रहे भाई साहब, अभी तो खिलाया तुम्हें खाना, फिर दोबारा भूख लग गई तुम्हें। तो ये थी दोस्त आज की हमारी वीडियो, आप लोग देख सकते हैं यार बूबा और लूसी हमें कितना तंग करते हैं। तो मिलता आपसे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।